नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निभान। 2022 विधानसभा चुनाव करीब आते ही हर सियासी पार्टियां जनसंवाद करने में जुट गई है। बलरामपुर के पचपेड़वा में भाजपा पर जमकर बरसे अबू आसिम आजमी। कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अबू आसिम आजमी का जोरदार स्वागत। बलरामपुर के युवजन सभा जिला अध्यक्ष आरिज खान की अगुवाई में समाजवादी पार्टी की जनसभा में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी भाजपा पर जमकर बरसे। आजमी ने कहा, भाजपा की सरकार हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मिटाना चाहती है। देश का नागरिक भाजपा को उखाड़ फेंकते हुए मुंह तोड़ जवाब देगा। नाम लिए आदमी ने एक सियासी पार्टी पर वार करते हुए कहा, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले समाज के लिए नासूर बन चुके हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर एसपी यादव ने कहा, भाजपा की सरकार समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है। पूर्व मंत्री डॉक्टर एसपी यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने लोगों को रोजगार देने का काम किया है। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री मोहम्मद वसीम खान ने कहा, गंगा जमुनी तहजीब हम भारतीयों की परंपरा है, इस तहजीब को हम मिटने नहीं देंगे। भाजपा की तानाशाही के अंत का समय आ गया है। कमर तोड़ महंगाई से जनता त्राही त्राही कर रही है। गरीबों को अपने परिवार का पेट पालना दूभर हो चुका है। समाजवादी पार्टी की युवा नेत्री जेबा रिजवान ने कहा, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर शिक्षित युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जेबा रिजवान ने कहा, आज हमारे भाई और बहनें बड़े उम्मीद के साथ टीईटी की परीक्षा देने गए, मगर शासन प्रशासन की नाकामियां सामने आई है। पेपर लीक हो गया, परीक्षार्थियों को मायूस होकर घर लौटना पड़ा। इस मायूसी का हिसाब जनता जरूर लेगी। डॉक्टर अनुराग यादव ने मक्का के काबा का चित्र भेंट कर आजमी का किया स्वागत। एक भी वादा पूरा नहीं किया। इस देश की जो सबसे बड़ी खूबी है कि हिंदू मुस्लिम की एकता, होली दिवाली हो चाहे बकरीद हो, हम सब दिल में मनाते हैं। गाँव में किसी लड़की की शादी हो चुप करते हैं, मुसलमान अपने घर में आटा पीस के रखता था, मुसलमान की शादी हिंदू अपने घर में लगते रखता था, कहीं गाँव का अपमान ना हो जाए। ये एकता थी, इस एकता को जब से बीजेपी आई वो खत्म कर देती है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो 300 की चीज 30,000 रुपये से बच गई है। पेट्रोल डीजल बढ़ते जा रहा है, बढ़ा के आप 5 रुपया कम कर देना मतलब कुछ नहीं होता है, वो भी सरकारी बहुत ही स्टेट पर डाला जा रहा है। इस तरह से देश को बिल्कुल से बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया जाता है। हमारा GDP गिरता जा रहा है, हम जो है डेवलपिंग कंट्री में नहीं आ रहे हैं, जबकि बांग्लादेश ऐसा मुल्क आता है। और यकीन जानिए, मैं तो इंटरनेशनल सफर करता हूँ, कई हजार इस देश के बड़े कारपोरेट, बड़े बिजनेसमैन इस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं। यहाँ बिजनेस करना बिल्कुल ठीक नहीं है, माहौल खराब होता जा रहा है, लड़ाई झगड़े का माहौल। इन चीजों को देखते हुए हमने ये संकल्प लिया है कि हम लोग गाँव को जाएंगे, तमाम हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होंगे, उनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे और इनकी सरकार 2022 में जीते जाना चाहिए और 2024 में जीते जाना चाहिए। हमारा संकल्प है।